हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर लाइव नाउ। सी हिसाब से फिर हम प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। जी, आई कैन सी टू पीपल ऑनलाइन। दो लोगों ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तीन लोग आ गए हैं। कौन कौन है हमारे साथ, काइंडली जरा मैसेज करके बताइएगा। सैयद जवाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवाद, कैसे हैं आप? कब से कह रहे हो कि मैं ऑनलाइन आऊँगा आपका प्रोग्राम देखने के लिए, और आज आए हो इतने सारे प्रोग्राम मिस करने के बाद। शफक इज हियर एज वेल। वेल, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू ऑल द पीपल हु हैव ज्वाइन। जिन लोगों ने नहीं किया वो करते जाएंगे, नॉट अ बिग डील। लोग हमें आहिस्ता आहिस्ता ही ज्वाइन करते हैं, और आज हम लोग प्लान के मुताबिक ही आए हैं। इट्स नॉट अ रैंडम शो। ने कल और परसों पोस्ट लगा दी थी कि वी आर गोइंग टू हैव अ मॉडल इंशाल्लाह एट आर शो। अच्छा, मॉडल से लिंक मैं आपको बताऊंगा किस तरह किया जा सकता है इसको। फिटनेस और फैशन का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है हमेशा से। काफ़ी हद तक फिटनेस को जो हाईलाइट किया है वो फैशन ने किया है, कई जगह पे गलत कई जगह पे सही। तो वो दोनों ही चीज़ें रही हैं इसके साथ। आज हमारे साथ एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, समीर अवान। मैं उनको बस थोड़ी देर में लाइव लेता हूँ अपने साथ। और वो मॉडल भी हैं और एक फिटनेस कैंपेन, एक जिम चला रहे हैं एक्सट्रीम फिटनेस के नाम से। तो इनसे पूछते हैं आज, इनसे मतलब इनकी रेलिवेंट फील्ड के हवाले से, कि इनकी फील्ड में मॉडलिंग में किस हद तक इम्पोर्टेंस है फिटनेस की, और ये किस तरह इसको कैटर करते हैं। जवाब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। नहीं, मैंने लास्ट टू प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया था। अच्छा, गुड गुड। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आज भाई? समीर, अगर पीछे कहीं लैपटॉप पे या इधर उधर कहीं और अगर स्पीकर ऑन है तो स्पीकर काइंडली ऑफ कर दो, क्योंकि थोड़ा सा इको आ रहा है। ओके, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो जी समीर, थोड़ा सा हेलो, बताइएगा अपने बारे में। मैंने छोटा सा इंट्रो आपका दिया है यस भाई, आवाज आ रही है अभी। आपको मेरी? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जो आपने बंद किया दोबारा से खोल दीजिए उसको, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है शायद आपके पास। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, इन द मीन वाइल वो हमसे रिकनेक्ट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, जो कुछ चीज़ें अप्रिशिएटिंग हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं अबाउट दिस मॉडल या फैशन इंडस्ट्री। कि एक टाइम था कि फैशन में फिटनेस का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन लोग समझते थे कि वो लोग फिट हैं, और हम में से बहुत सारे लोग उनको देख के फिट समझते थे। मेल साइड पे दोनों तरह के रुझान दिख गए हैं, लेकिन फीमेल साइड पे नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा रहा है। कि जितनी हड्डियां दिख रही होती थी मॉडल्स की, उतना ही जो है अप्रिशिएट किया जाता था। और हमारे यहाँ फीमेल्स दुनिया भर में दे वर क्रेजी अबाउट दोज मॉडल्स। अब वो एक आइकॉन बन गई थी कि भाई ये स्किनी, जितने लोग होते हैं जितने स्किनी होते हैं उतने अच्छे होते हैं, मतलब जितनी हड्डी नजर आए इतना ढांचा बंदा उतना अच्छा जो है वो मॉडल होगा। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज ने इतनी स्किनी मॉडल्स को बिल्कुल बैन कर दिया है, क्योंकि देयर इज क्वाइट अनहेल्दी। उनको देख के बहुत सारे लोग जो हैं
उसी बॉडी टाइप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, और डिजायर उनकी यही होती है कि वो वैसे की वैसी हो जाए जैसे बाकी लोग हैं। अब बहरहाल एक और चेंज आया है, देयर इज सिक्स पैक्स के मेल्स में खास तौर पे, कि सिक्स पैक्स दिखाने होते हैं, मसल्स दिखाने होते हैं। अभी समीर हमें रीज्वाइन करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं उनके साथ, तो उनसे पूछते हैं हम लोग के क्या ये हर मॉडल के लिए होता है कि उसके सिक्स पैक्स होने चाहिए हैं और उसकी बहुत अच्छी मस्कुलर फिजिक होनी चाहिए है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अच्छा समीर आ गए हैं, लेट मी हैव हिम ऑनलाइन। हेलो समीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो समीर हेलो, जी, समीर आप लाइव हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके जी, आ रही है। ओके, लाइट ऑन कर दूंगा, लाइट ऑन कर दूंगा, जस्ट अ समीर मिनट, आप लाइव जस्ट अ मिनट। हैं? अच्छा जी, इतनी देर में कमेंट्स देख लेता हूँ। रिजवान खान ने ज्वाइन किया है, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रिजवान। मुदस्सिर सिंह हेलो। आसिफ राणा ने ज्वाइन किया, आसिफ सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काफ़ी दिन बाद आए, वैसे तो खैर हम प्रोग्राम भी रेगुलरली नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट डेज प्रोग्राम हो रहे हैं ज़्यादातर, हमारे सारे प्रोग्राम ऑल्टरनेट डेज नहीं हो रहे। जी समीर, अस्सलाम वालेकुम सलाम। समीर जरा बताइएगा अपने बारे में, थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा। मैंने थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, लेकिन आप बताइएगा कब से आपने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, फिटनेस की और इवन मॉडलिंग की, कब से कर रहे हैं काम ये आप? मॉडलिंग में तकरीबन मुझसे हो गए 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, और फिटनेस में तकरीबन 3 साल हुए। अच्छा, मॉडलिंग में पहले आए हैं, बाद में फिटनेस में एंट्री हुई आज है। भाई फिटनेस आपकी आवाज, आज भाई में आपकी एंट्री आवाज कट रही है। आज मैं कह रहा भाई, था कि आज भारी आपको आवाज, जो भारी टाइम, आवाज। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है, हाँ भारी, हाँ भारी। थैंक यू। बहुत ही एम्बैरेसिंग सेंटेंस होता है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आधा प्रोग्राम बाद अवकात इसी में चला था कि कनेक्शन लॉस हो रहा हो तो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये था मेरा कि आपने फिटनेस बाद में ज्वाइन की है, मॉडलिंग पहले ज्वाइन की थी, तो पहले आप समझते थे हाँ ज्वाइन ऐसे करने ही से समझ, पहले हाँ ऐसे ही के समझ, फिटनेस का जो है काफ़ी हद तक इसमें रोल होता है? बहुत बहुत बड़ा रोल है इस अंदर फिटनेस का, फैशन इंडस्ट्री में। क्योंकि मॉडल जो है वो कोई भी मॉडल हो, उसके उसको फिजिक अपनी मेंटेन लाजमी रखनी होती है। उसके सिक्स पैक्स क्लियर होने चाहिए, मसल जो है उसका मिच्योर होने चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट तो होती है। क्योंकि डिजाइनर जो है जो भी उनके कपड़े होते हैं वो पहनाते हैं मॉडल को, तो मॉडल अच्छा दिखना चाहिए बस। तो अच्छा, फिजिक सिर्फ अच्छी अच्छा होगी ही दिखना तो, अच्छी होगी चाहिए, तो। या मुदस्सिर का हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आजकल मॉडलिंग में कौन से बॉडी ट्रेंड्स इन हैं, कौन से बॉडी टाइप्स ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा डिफरेंट ही रहता है। इस तरह मैंने शुरू में बताया था कि एक टाइम था कि जब बहुत ही लीन, बिल्कुल कांगड़ी से लोग पसंद किए जाते थे, खास सिर्फ फीमेल्स, मेल्स में नहीं ऐसा था, फीमेल्स में था, मेल्स में बहुत वैरायटी थी, और फिर एक टाइम आया था जब बहुत मस्कुलर लोग जो है पसंद किए जाने लगे थे। इसमें अभी ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है या कुछ नया है जिसकी नॉलेज हमें ना हो, बताइए प्लीज़। अभी तो फिलहाल अभी तो ट्रेंड फिलहाल ट्रेंड ये है ये है कि मस्कुलर हो, मस्कुलर हो बस। अच्छा, मस्कुलर ह्यूज हाँ वाला है या बस नॉर्मल हाँ सा? नहीं, ह्यूज वाला नहीं नहीं, नहीं ह्यूज वाला बस नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सा हो, सा बस नॉर्मल सा हो, मसल हो, मसल ये ना हो ये बिल्कुल ही ना हो सूट बिल्कुल का, ही सूट, कांकड़ी हो, का कांकड़ी हो, एब्स वगैरह क्लियर हो एब्स वगैरह उसके, क्लियर हो और उसके, फैट और फैट परसेंटेज उसके परसेंटेज सिंगल उसके डिजिट में हो तो सिंगल ज्यादा डिजिट बेहतर में है। हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या रीजन है इसका कि ये मस्कुलर होना बहुत जरूरी है? क्योंकि देखिए, एक टाइम पहले भी रहा है, और मैंने कुछ अभी भी, मैं कुछ उनकी आउटलेट्स के कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत ही ले मैन को उठाते हैं और बहुत ही आम से लोगों को, बाद में थोड़ा सा गोलमटोल भी लोग लग रहे होते हैं, उनको लेके वो लोग मॉडलिंग करवाते हैं। वो कहते हैं हमारे ये जो कपड़े हैं
ये फॉर रियल पीपल है और हर बंदा जब जो बाहर नजर आता है हमें वो बहुत अच्छी फिजिक के साथ नहीं होता, तो हम ऐसे लोगों के साथ ही शोकेस करेंगे अपने अपने ड्रेसेस को जो कि रियल है, क्योंकि सिक्स पैक्स और मस्कुलर फिजिक होना हर एक के बस की बात नहीं होती है, हर कोई नहीं इतना टाइम दे पाता अपनी फिजिक और अपने मसल्स के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर ऐसा कोई कर रहा है, मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर अनफिट लोगों को मॉडल बना रहे हैं। नहीं समीर, मतलब उनको अनफिट नहीं कह सकते, नॉर्मल लोग होते हैं। देखें, ये आप कह रहे हैं बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर कि वो अनफिट हैं या जिनका बीएमआई ज्यादा है। जनरली जब एक बंदा देखता है वो अपने आप को ये नहीं देखता कि मैं सिंगल डिजिट वाला हूँ या डबल डिजिट वाला हूँ या मैं कितनी फैट परसेंटेज वाला हूँ, वो तो फैट परसेंटेज देखता ही नहीं है। एक आम बंदा जिसकी नॉर्मल फिजिक है, अगर हम अपने आस पास कुछ लोग देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि जिम वगैरह नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, स्पोर्ट्स खेलते हैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ स्टाइल उनका नहीं होता है। और बायर्स कपड़ों के होते हैं वो ज्यादातर यही लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप एथलेटिक फिजिक्स वगैरह लोगों की देखें तो आपको 50% भी लोग नहीं मिलेंगे इस टाइप के, बहुत कम लोग होते हैं अच्छे फिजिक वाले। तो वो कहते हैं कि हम रियल पीपल में से ही उठा के उनसे मॉडलिंग करवाते हैं, तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होता कि मतलब इन लोगों को उठा के मॉडलिंग करवा रहे हैं। आजकल फैशन इंडस्ट्री में जो है वो फिजिक तो लाजमी है, मस्ट है फिजिक, फिजिक के बगैर तो काम ही नहीं है वहाँ पे। अगर कोई मतलब ऐसा है कि जिसकी फिजिक नहीं है किसी भी मॉडल की, तो वो इतने ज्यादा अरसे तक इतने ज्यादा चल नहीं पाता, वो बस एक दो शो किए, तीन चार शूट्स किए, उसके बाद मतलब डिजाइनर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो यही होती है मॉडल को लेके कि उसकी फिजिक मेंटेन हो और हाइट उसकी ऑलमोस्ट सिक्स फोर तकरीबन, बस यही होती है ज्यादातर रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं अभी जरा लिंक करूंगा तो आई बिलीव कि क्वेश्चंस कुछ आना शुरू होंगे इस टाइप के। शूट के लिए कितनी मेहनत की जाती है? मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा मेहनत होती है शूट से पहले, खासतौर पर जो लास्ट वीक होता है उससे पहले वाला, वो बहुत क्रिटिकल होता है आप लोगों के लिए, खासतौर पर खाने के हवाले से, पानी पीने के हवाले से। उसके हवाले से कुछ बताइएगा, क्या टफनेस वगैरह होती है उसमें, क्या आप रीजिंग फॉलो करते हैं? मतलब बॉडी शूट जो करता है, जी हम हंटिंग वाली शूटिंग की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल बॉडी शूट की बात कर रहे हैं, वो बताइए प्लीज। उसमें ये है कि थोड़ा बस डाइट को आपने कंट्रोल करना होता है, लास्ट का जो वीक होता है उसके अंदर डाइट का बहुत मेन रोल होता है। उसमें डाइट को कंट्रोल करेंगे तो फिर मसल मास ये है कि दिखने लगता है, और रैंप के जो दिन होते हैं दो तीन, मतलब एक दो दिन, उसके अंदर तो वाटर भी ड्रॉप करना पड़ता है, अब जाके फिजिक अच्छी नजर आती है कैमरे के सामने। तो कहने का मतलब ये है कि आप थ्रू आउट द टाइम उस शेप में नहीं रहते जैसे जैसा शेप आपका उस दिन शूट वाले दिन होता है? नहीं, मैं जेनेटिक्स नहीं, जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अब मेरे जो जेनेटिक्स है वो एक्टो है, एक्टो वो जो है तकरीबन मैं सिंगल डिजिट परसेंटेज पर रहता हूँ ज़्यादा टाइम, बहुत कम होता है कि बहुत ही अगर मैंने जंक खा लिया तो उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत फैटी होता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जरा फिटनेस के बारे में बताइएगा, फिटनेस को कितना टाइम देते हैं और क्या क्या करते हैं आप एक्सरसाइज में? खाली वेट ट्रेनिंग होती है, कार्डियो भी होता है, डाइट आपकी क्या होती है, ये सब चीज़ें लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे बीइंग मॉडल एक्चुअली। फिटनेस में मैं तकरीबन देता हूँ डेली का एक घंटा तो देता हूँ, और कार्डियो मैं नहीं करता क्योंकि मुझे कार्डियो की ज़रूरत नहीं होती, वैसे लोगों को करनी चाहिए जिनकी ये है कि फैट जिनका ज़्यादा है, तो मेरा फैट नहीं है इतना, तो मैं तकरीबन एक घंटा करता हूँ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करता हूँ, वेट ट्रेनिंग को एक घंटा देता हूँ और उसके बाद जो है डाइट बस अपनी पूरी रखता हूँ। डाइट में क्या होता है आपके, कार्ब्स क्या बहुत कट डाउन कर देते हैं? क्योंकि ज्यादातर मॉडल्स के बारे में मैंने सुना हुआ है कि वो कार्ब्स बहुत कम लेते हैं, कैसा है? कार्ब्स कम लेते हैं मतलब सुना है मैंने, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू एक्चुअली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्ब्स कम लेते हैं, कार्ब्स कम मतलब ये है कि
कोई भी फिटनेस मॉडल हो वो तो अपने बॉडी बीमार के हिसाब से अपनी कैलोरीज के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स लेता है। अब ये है कि अगर कोई किसी का शूट है बहुत ही मतलब एक हफ्ते के अंदर से शूट है तो फिर वो कार्ब्स जो है कट डाउन कर देता है, प्रोटीन हाई प्रोटीन पे रहता। ठीक है, कार्ब्स कट डाउन करता है, सॉल्ट कट डाउन करता है और पानी भी नहीं पीता मेरे ख्याल में आखिरी दिन तो शायद। हां शुगर कट डाउन करता है, शुगर कट डाउन करता है। हां हां, तो कभी ऐसा हुआ है कि शूट पे डिहाइड्रेशन की वजह से तबीयत खराब हो गई हो? हाँ हुआ है सर, चक्कर आना शुरू हो गए थे एक मरतबा जब मैं बॉडी शूट पे ही था, अपने बॉडी शूट करवा रहा था तो उस टाइम पे मतलब आखिरी जो दिन था मतलब तकरीबन मैंने 1.5 दिन उसमें नहीं था, बिल्कुल दम रखा था, तो उस टाइम पे ये जो है डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर शूट मैंने कम्प्लीट किया, मैंने कम्प्लीट किया और उसके बाद। अच्छा अगर ऐसा होता भी है लेट्स से किसी के साथ तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं फिर अपना जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस रखी होती है अपनी डाइट के साथ कि मुझे इतना पानी पीना है, क्या वो पानी फिर एक्स्ट्रा पी लेते हैं, ग्लूकोज इनटेक कर लेते हैं उस टाइम पे, कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जो कि इनके लिए मना होती है, या वो कंट्रोल करते हैं जब तक बेहोश होकर नहीं गिर जाते? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाओ। अब उस टाइम पे अगर आप चॉकलेट्स वगैरह ले लो या ऐसी कोई चीज ले लो तो ये है कि वो आपकी आपको एनर्जी दे देती है उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए, आप ये आपका शूट तो निकल जाए। उसके बाद अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही आप गिर रहे हो तो फिर पानी वगैरह तो फील हो गए, जान से बढ़कर तो नहीं है ना शूट। अच्छा हमें तेरा पाथवे के बारे में बताया गया कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह से वो लोग मॉडलिंग में आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप ही बेहतर जानते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एक तो वही हो गया कि फिटनेस का ख्याल रखें अपनी, उसके अलावा क्या क्या पैथवेज हैं और क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो करें और ना करें? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। खैर मतलब अगर कोई भी बंदा आना चाह रहा है इस फील्ड में तो भाई सबसे पहले तो ये है अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, और दूसरा ये है कि अपने आप को ग्रूम करे, जितना ग्रूम कर सकता है अपने फेस पे काम करे, अपनी बॉडी पे काम करे, और इसके अलावा ये है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें। बस यही है एक दो मतलब खाली क्या फिजिक पे ही काम करना होता है, क्या अपनी बाकी स्किल्स पे काम नहीं करना होता, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई या और कोई चीज ऐसी? मतलब काफी सारी चीजें आ जाती हैं, फिर तो आपको एक्सप्रेशन होता है, आपको काम करना है और पोजेस पे करना है, पोजेस तरह के पोजेस देने सही है, काफी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा सही है, जवाब हमारे साथ है, है तो आप ये है कि आपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए जो है जल्दी ऊपर जा सकते हो, मतलब ये है कि शूट्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे और जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है वो आप इतना नहीं गुजारोगे, जल्दी आप ब्रांड शूट्स वगैरह कर लोगे, रन शूट्स वगैरह कर लोगे। ठीक है, अच्छा पीछे का स्ट्रगल कितनी है? मैंने सुना है कि शुरू के जो आप लोग पोर्टफोलियोस वगैरह बनवाते हो वो आप लोगों को पैसे दे रहे के बहुत महंगे महंगे बनवाने पड़ते हैं, फोटोग्राफर से मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई आपका शूट किया जाए, इस तरह की चीजें होती हैं, तो अब तो काफी टाइम चेंज हो गया है, आप आपके बारे में बताएं कि आप क्या क्या सीन है, कि कोई ऐसी कोई एजेंसी वगैरह है जहां पे इस तरह से हेल्प की जाती हो मॉडल्स को इन करने के लिए, या अभी भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मॉडल्स को खुद ही लेना पड़ता है पोर्टफोलियो वगैरह के लिए? पोर्टफोलियो की जो एजेंसियां हैं वो तो मतलब जो फेक एजेंसियां है ना वो ज्यादातर पैसा मांगती हैं आपसे कि भाई हमें पैसे दो और फिर उसके बाद हम आपको पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको काम देंगे, तो वो जो है ज़्यादातर फेक ही होती हैं मेरी नज़र में, ज़्यादातर एजेंसियाँ फेक होती हैं। आप अगर जाओगे किसी भी मतलब ये है कि किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर आप जाते हो जो ये है कि सही एजेंसियाँ हैं वो आपसे पहले काम देंगी, उसके बाद वो परसेंटेज डिसाइड करेंगी कि भाई आपकी जो भी इनकम होगी उस एक टाइम पीरियड के लिए
आप हाफ उनको दोगे या जो भी आपके बीच जो डिसाइड होगा आप उनको दोगे, बाकी जो है वो आपको देंगे। ठीक है, तो मतलब ये किस तरह से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से, अगर करना चाहते हैं तो? कुछ खास आपको नाम पता है मेन मेन लीडिंग जो कंपनीज हैं या एजेंसी? सॉरी, आई वोंट से कंपनी, एजेंसीज काफी सारी है, काफी सारी है जैसे कि सिट्रस वॉलेट खुला हुआ, और इसके अलावा बिग बैंक है, बिग बैंक है, और वो मॉडर्न एजेंसी मॉडर्न एजेंसी तो नहीं है बिग बैंक, और दूसरी जो सिट्रस की जो सिट्रस कमर्शियल में भी काम करती है मॉडलिंग एजेंसी, मॉडलिंग एजेंसी, और इसके अलावा भी सेवेंस है, इसके अलावा एमडी प्रोडक्शन है, एमडी प्रोडक्शन है, काफी सारी है, काफी सारी है। ठीक है। अच्छा, फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं आप? हाँ रनिंग वगैरह करवा, रनिंग वगैरह करवा तो मेरा अपना जिम है, मेरा अपना जिम है नॉर्थ में, नॉर्थ अच्छा, ये बताइएगा में, कि वहीं पर ट्रेनिंग, वहीं पर ट्रेनिंग दोनों में करवा। से क्या चीज आपके लिए टफ रही है अब तक, फिटनेस की फील्ड जो है या मॉडलिंग? मॉडलिंग की फील्ड, मॉडलिंग की फील्ड मॉडलिंग की फील्ड किस हिसाब से मतलब टफ रही है आपके? क्या टाइमिंग्स आउट होते हैं, क्या मेहनत ऐसी ज्यादा पड़ती है वहां पे? करना ये पड़ता है करना मुझे, ये मतलब पड़ता है मुझे, मतलब अगर मेरा कोई शूट, अगर मेरा कोई शूट है तो उस टाइम पे फिर मैं अपना जिम भी देखना मुझे अपना होगा, जिम भी देखना होगा, शूट पर जाने के शूट लिए अलग पर जाने के से लिए जाना अलग पड़ता से। है, ऐसे ही अपना माइक, एज वी ऑफ अपना द माइक माइक ऑफ ऑफ कर द ले, माइक आवाज डबल आ रही है। हाँ ठीक, तो मतलब ये कि शूट के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, फिर जिम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर जो है मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये है कि मैं शूट पर ज्यादा चले जाता हूँ, अगर कोई शूट आता है तो मैं पहले शूट को देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे शौक है ज्यादातर शूट्स वगैरह करने का और ब्रांड शूट्स करने का, बॉडी शूट करने का, तो पहले मैं ज्यादा तरजीह जो है शूट को देता हूँ। ठीक हो गया। तो आप कह रहे हैं मतलब टाइमिंग मैनेज करना काफी प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए, शूट्स के लिए। कितनी देर के शूट्स होते हैं यूजुअली जो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टाइम दरकार होता है इसके लिए? डिपेंड करता है कि डिपेंड आपका करता कौन है सा कि शूट आपका है, कौन कौन सा सा शूट शूट है। है, ठीक तो उसका परसेवरेंस है, है, तो ठीक उसका है, पूरा दिन लग ठीक जाता है, है, दो दो तीन दिन भी दो दो होते तीन हैं दिन कौन भी से होते होते हैं हैं कॉलेज के अलावा, ब्रांड कॉलेज के शूट्स है तो, अलावा, ब्रांड और शूट्स है डिपेंड करता तो है ड्रेसेस ड्रेसेस के के ऊपर, ऊपर, ड्रेसेस हैं आपके, ड्रेसेस ड्रेसेस हैं आपके, एक दिन में कंप्लीट कर दिन लोगे में आप, आधे कंप्लीट दिन में कर लोगे, लोगे, आधे आधे दिन दिन में में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अच्छा, अभी आपका अंतरिम शूट का बैग, इसकी प्रिपरेशन वगैरह कुछ चल रही है कि ऐसी? नहीं अभी मेरा नहीं, कोई अभी मैं ऐसा कोई लॉकडाउन की वजह से, अभी लॉकडाउन की वजह से वो एक ही वैसा हो गया, अभी लॉकडाउन के बाद ही कोई प्लान किया है। अभी शूट देखो एक ब्रांड है उसके साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने प्लान किया। ठीक है। अपने लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, कौन कौन से बहुत अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो आपके लिए अचीवमेंट्स रही हैं? तो आप कहेंगे हाँ यार, ये बड़ा प्रोजेक्ट था जो मुझे मुझे मिला फॉर मॉडलिंग। काफी सारे हैं काफी जो सारे मैं, हैं जो जो मैंने कहा बीच मैन जो है मैन वो जो है सारे वो तो मुझे सारे सारे तो तो हमने हमने दान किया था, और नोमान आर्पिंग नोशिमिया वो किया था, और इसके अलावा जेड एक ब्रांड है, जेड वो किया था, और काफी सारे ब्रांड्स हैं सब जो कर चुका हूँ, और छोटे मोटे तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो मैंने स्टार्ट में किए थे, अपने करियर के स्टार्ट में किए थे। ठीक हो गया समीर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मैं अब जरा कमेंट्स की तरफ जाऊंगा वहां देखने के लिए कि कुछ अगर आपके लिए कोई मैसेज या कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आपसे पूछते हैं, उसके अलावा फिर हम लोग फिर अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, सोर्स वाला क्वेश्चन हो गया था आपसे। साद खान है, आपको थम्स अप और बहुत सारा प्यार सेंड किया उन्होंने, और जवाब पूछे रमजान के लिए सुबह डाइट सर, बता सुबह दीजिए। सर, क्या पूछ रहे हैं जवान, क्या पूछ रहे हैं जवान, जवाब पूछ रहे हैं रमजान की डाइट बता दीजिए। रमजान की डाइट बता दें। रमजान की डाइट मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा, मैं लिंक लिंक भेज दूंगा, दे लिंक दे दूंगा दूंगा। ग्रुप में। हाँ, मुझे अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँ। हाँ अद्वितीय, ऐसा क्या बोल रहे अद्वितीय हैं, ऐसा क्या क्या बोल बोल रहे रहे हैं।
कह रहा हूँ कि अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँ, तो यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम वगैरह का सब चीज़ें में दे दीजिएगा। बिल्कुल। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मॉडलिंग शो करते हैं लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक मतलब उनको सजेशन देना चाहूंगा कि भाई देखें, अगर आप मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि इस ये जो फेक एजेंसियां होती हैं इनसे दूर रहें, जो आपसे पैसे मांग रहे हैं पोर्टफोलियो बनवाने के कि भाई वहाँ मैं 25,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो ये सारी फेक हैं। अगर उनको पैसा कमाना है तो वो आपसे कमाएंगे। मसलन आप उनके पास मॉडलिंग कर रहे हैं तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करके आपसे काम लेके वहाँ से पैसा कमाएंगी, कुछ परसेंटेज रखेंगी, उसके बाद फिर आपको देंगी। जो ऑथेंटिक एजेंसियाँ हैं ना वो इस तरह काम करती हैं, जो फेक एजेंसियाँ हैं वो आपसे पहले बोलेंगी कि भाई हमें 20-25,000 रुपये दे दो, उसके बाद फिर हम आपको काम देंगे। वो सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होता, वो भाग जाती हैं एजेंसियाँ ज़्यादातर। और इसके अलावा ये है कि आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा आवाज आ रही है आपकी, ठीक है। हाँ इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर होते हैं तो ये जो है मतलब लोगों से कांटेक्ट करें, ये आपको काम देते हैं काफी। मतलब ये है कि काफी सारे डिजाइनर्स हैं, जैसे कि अमर दान हो गया और मुस्लिमिया हो गया, जेड हो गया और यूजी ब्रांड है वो हो गया, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि न्यू मॉडल्स को प्रमोट करते हैं, तो इनसे कांटेक्ट करें। मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो ये है कि आप उनसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा समीर, हमारे पास क्वेश्चंस अभी और भी आ रहे हैं और लोग भी मांग रहे हैं, तो मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली थोड़ा बहुत जो है आप गाइडेंस दें लोगों को यहाँ पे भी। चैनल भी आपका ज्वाइन करवाएंगे इंशाल्लाह, नॉट अ बिग डील। कि एक और क्वेश्चन आया मेरे पास डाइट के हवाले से, कि आजकल की रमजान की डाइट है वो बता दीजिए। और साद खान पूछ रहे हैं कि लेग्स की एक्सरसाइज वगैरह बता दें, कि लेग्स को मतलब मास साइज इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए लेग्स के लिए। क्या होनी चाहिए रमजान में एक जनरल बंदे की डाइट जो है, जो हेल्दी रूटीन अडॉप्ट करना चाह रहा है रमजान में? अच्छा रमजान में ये है कि अपना जो भाई ये तो जंक फूड खाना तो पहले सबसे पहले छोड़ो, और ये पकौड़े जो भी खाते हैं, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, ये पहले तो ये बंद करें भाई, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट मतलब स्टोर कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और रमज़ान के बाद फिर हमारी बॉडी का शेप ही बिल्कुल आउट हुआ होता है। तो सबसे पहले ये है कि अपनी डाइट के बारे में अब मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, खैर यहाँ पे आपको पड़ेगी, अगर आप चाह रहे हैं कि डिटेल में बताऊँ तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। कोई इशू नहीं है, हमारे पास टाइम है, अभी तकरीबन 10 मिनट है हमारे पास, आप कैरी ऑन करें। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप जो शहरी है वो शहरी में आप नॉर्मल मील लें, अपनी ज़्यादा हैवी मील भी ना लें। शहरी में आप ले लें ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, उसके ऊपर पीनट लगाकर वो आप उसे खा सकते हैं, और इसके अलावा ओट्स मील ले सकते हैं शहरी में, और इसके अलावा आप लीमू पानी लें, और इसके अलावा कोकोनट वाटर या लेमन वाटर, ये लाजमी कंज्यूम करें, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन बहुत लंबा फास्टिंग का जो हमारा टाइमिंग है वो बहुत लंबी है, तकरीबन 14 या 15 घंटे की, तो उसमें बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती। फिर कोकोनट वाटर लाजमी कंज्यूम करें, और इसके अलावा लेमन वाटर कोई भी दोनों में से कुछ भी हो तो वो लाजमी लें, और इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 अंडे या दो तीन अंडे भी हों आपके शहरी में होने चाहिए। दो अंडे आपने पूरे ले लिए, उसके बाद जो है आप 2 से 3 अंडों की सफेदी ले सकते हैं। ये तो हो गई आपकी सहरी, और इसके अलावा आप अफ्तार में अगर आते हैं तो अफ्तार में आपने
सरकार में आपने मेन मेन चीजें तो बंद कर, खास खाने वाली जो होती है जिसमें समोसे पकोड़े तो खास होते हैं रमजान के, वो आपने बंद करवा दिए, फिर बंदा क्या खाए? सैनी में भी आपने कहा कि बंद करवाने की, बंद करवाने की वजह है ना, बंद कर दें सब चीजें, मैंने वही तो कहा कि बंद करवा दिया आपने, आप ये कह सकते हैं कि लिमिट कर दें, क्योंकि बंद करना तो जारी बात है मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी चीज हम कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट किस तरह कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं असल में मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ ना ये सारी चीजें। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ट्रेनर्स हैं और जिनके अपने गोल्स होते हैं खास तौर पे, उनके लिए इशू होता है कि वो जरा से भी जंग वंग खाते हैं तो उनको फिर आदत पड़ जाती है, वो रेगुलर बेस पे चीजें खाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना। लेकिन फॉर अ लेमैन एक्चुअली आई वाज आस्किंग। अच्छा और कोई क्वेश्चन मैं देख लूं इफ देयर इज, हां लेग्स एक्सरसाइज वाला बता दिया करने के, लेग्स की एक्सरसाइजेस कौन-कौन सी बेनिफिशियल हैं, नाम बता दें काफी होगा इतना डिटेल। एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज है कि भाई आप स्क्वाट करो और इसके अलावा लेग प्रेस करो, लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल, ये तीन चार ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो लेग्स के मसल को प्रॉपर ट्रेन कर देती हैं। मैं एक थोड़ा सा मेडिसिन कर देता हूँ आपसे क्वेश्चन के हवाले से कि अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जिम्स जो हैं सब बंद हैं, अभी जो नरमी बढ़ती गई है लॉकडाउन में आज से, उसमें भी जिम्स का कहीं नामो निशान नहीं कि ओपन होंगे कि नहीं होंगे, कोई बात ही नहीं उस सिलसिले में। तो जो लोग घर पे कर रहे हैं वो ये सब वर्कआउट किस तरह करेंगे? अब लेट्स से स्क्वाट्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स के तो वो यूज्ड टू हो चुके हैं, अब उसे वेट इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब वो घर पर वर्कआउट किस तरह करें? यस चीजें नहीं ना सारी उनके पास, लेग एक्सटेंशन नहीं है, हैम कर्ल्स वगैरह नहीं कर सकते वो लोग, स्क्वाट चलें प्लेन कर लेंगे विदाउट वेट जो होते हैं, लेग प्रेस की मशीन अवेलेबल नहीं है, तो वो घर पे आइडियल एक्सरसाइज क्या होंगी? चले एक स्क्वाट तो हो गया जो बंदा कर लेगा, तो उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप लेग्स की मतलब ये कि लंजेस कर सकते हैं, आप कोई भी आप वेट हाथ में उठा लें लंजेस कर लें, ये बेहतर है। और इसके अलावा आप अब लेग्स की एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, बॉडी वेट पे जो एक्सरसाइज होंगी ना वो यही हो पाएंगी, लंजेस हो जाएंगी, लेग प्रेस स्क्वाट्स हो जाएंगी, बस यही हो सकती है बॉडी वेट पे। और कितनी एक्सरसाइज करेगा एग्जैक्टली कोई लिमिटेशंस आई थी बॉडी वेट पे, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ पाती हैं। अच्छा समीर लास्ट क्वेश्चन आज का मैं ले रहा हूँ, उसके बाद फिर एंड करते हैं प्रोग्राम को। सैयद जवाद ने ही क्वेश्चन पूछा है जिन्होंने डाइट का पूछा था, नाउ ही इज आस्किंग यू के काइंडली बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं फिटनेस के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से, कि आप अपने आपको कहाँ तक देखना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं दोनों इंडस्ट्रीज में? मॉडलिंग को लेकर मेरा जो गोल है मतलब एक अच्छा बस मॉडल बनना चाहता हूँ, नंबर वन मॉडल जो पाकिस्तान में अभी इस वक्त शहजाद नूर चल रहा है, तो मैं भी यही है मेरा ड्रीम है कि वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। और फिटनेस को लेकर जो मेरा गोल है बस ज़्यादातर मतलब ये है कि मतलब फिटनेस को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, आगे जिम्स अपनी ब्रांच बनाना चाहता हूँ, और फिर जैसे तो हमारी मेरी दूसरी ब्रांच ओपन होने वाली है रमजान के बाद इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी गुलशन जौहर में, के अलावा ब्रांचेस वगैरह और बढ़ानी है आगे आगे, तो अभी फिटनेस को लेकर तो गोल ये है मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू समीर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर गोल्स एंड अचीवमेंट्स दैट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। अच्छा एनी पूछ रही है, अगर आप जाने से पहले इनका आंसर करना चाहें कि व्हाट टाइम डू यू वर्क आउट, किस टाइम पे वर्क आउट करते हैं आप? मैं किस टाइम पे वर्क आउट करता हूं, वर्क आउट करता हूं इस टाइम तो ऑन में ऑन में 11 बजे जैसे ही आपकी इनॉग्रेशन हो काइंडली इस पेज पे जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट पीपल मे ज्वाइन, क्योंकि हमारे पास इस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि वो लोग आपको ज्वाइन करें इंशाल्लाह, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं नाउ पीपल आर ज्वाइनिंग एंड दे आर आस्किंग अबाउट यू।
ठीक है, आवाज आती है ऐसे फिर बार बार आती है ऐसे फिर बार बार चले जाती है आवाज में बहुत। अच्छा करेक्शन आप अच्छा वाले लीजिएगा भी नेक्स्ट टाइम, आपकी तरफ से बहुत मसले रहे हैं आज, आधा घंटा आप लेट भी हो गए। मैं ये कह रहा था कि अपनी जितनी भी चीजें हैं वीडियोस लिंक्स वगैरह खासतौर पे जो जिम की इनॉग्रेशन की डिटेल है वो जरूर शेयर कीजिएगा यहाँ पे हमारे इस ग्रुप पे, क्योंकि इस ग्रुप में मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ पे रहते हैं, दे माइट जॉइन यू इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, हो सकता है ज्वाइन करें वो आपको दोबारा किसी और प्रोग्राम में या मैं आपसे जिम में मिल जाऊंगा। वेल दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ, कुछ टेक्निकल एरर्स थे हमारे गेस्ट की तरफ से, कुछ साउंड्स के इश्यूज आ रहे थे और उसके बाद अभी भी प्रॉब्लम रही है सारे प्रोग्राम में, सो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, वो अभी हमने प्लान नहीं किया किस दिन होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डे आफ्टर टुमारो करेंगे इसको इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।